तो फिलहाल देख सकते हो अभी मैं ड्यूक 250 चला रहा हूँ, मेरा दोस्त चला रहा है NS 200, मेरा बेबी लाइट छोलना। तो फिलहाल देख सकते हो क्रेजी सीन है एंड ओह मैन, ड्यूक 250 का परफॉर्मेंस भाई नेक्स्ट लेवल का है, स्पेशली 30 BHP, और ये बाइक जस्ट रिसेंटली सर्विस पे आया है तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है भाई। तो चला के बहुत मज़ा आ रहा है एंड इनफैक्ट बहुत सही बाइक है यार, द बेस्ट क्वार्टर लीटर सेगमेंट आई थिंक आप देख पाओगे, क्रेजी सीन है भाई। एंड बस गियर सीट पता नहीं मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है, अदरवाइज गाड़ी सही है भाई। एंड थोड़ा मैं दोस्त पुल करेगा, तो फिलहाल ड्यूक 250 रेस विद NS 200 एंड सही सीन है, फिलहाल चला के मज़ा आ रहा है, बस प्यार से धीरे धीरे करके चला रहे हैं ताकि कोई सिचुएशन वैसा ना हो, जो सेफ्टी लगे उसी को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। तो भाई शाम में ड्यूक 250 के साथ भी चला के मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी, ड्यूक 250 का भी अलग मज़ा है भाई, द वे दिस मशीन पुल्स इज जस्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल मैन, एंड 30 BHP है ना तो फील होगा आपको भाई, परफॉर्मेंस देखो भाई। परफॉर्मेंस मैन, परफॉर्मेंस सही है एंड ब्रेकिंग के मामले में बोला जाए तो ड्यूक 250 जबरदस्त है भाई, ब्रेकिंग इज ऑन द नेक्स्ट लेवल मैन, सही लगा भाई चला के, बहुत सही गाड़ी है भाई, परफॉर्मेंस भी सही है, अगर किसी को ड्यूक 250 लेना है तो ले सकते हो। देखो थर्ड गियर में है, अगर पुल कर रहे हैं तो भाई ज़बरदस्त तरीके से पुल कर रहा है, बस साउंड का थोड़ा सा मुझे कमी लगा है, अदरवाइज सही गाड़ी है भाई। एंड ब्रेक के मामले में तो मुझे आई थिंक कुछ बोलना ही नहीं है, फर्स्ट गियर में भाई पूरा व्हीली मशीन है भाई, एकदम लग रहा है कि पॉप कर जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इंजन बहुत स्मूथ है BS6 का भाई, सच बोलना भाई BS6 ड्यूक 250 चला के बहुत मज़ा आ गया भाई, जिस तरह से भाई ये एक्सेलरेट कर रहा है ना मज़ा आ गया भाई, सच बोलना भाई गैप वैप मारना बहुत इजी है ड्यूक 250 के साथ, तो आई एम एंजॉइंग द राइड, स्पेशली इवनिंग का टाइम है तो ड्यूक 250 का थोड़ा चला के थोड़ा मज़ा कर रहे हैं, बस इसका पता नहीं थोड़ा सा गियर सीट मुझे हार्ड लगता है, स्पेशली डाउन सीट की बात करें तो अप सीट बहुत स्मूथ है भाई। तो देखा भाई ऑलमोस्ट 105 हिट कर दिया, एक क्यों फेंसेगा अच्छा तोल गियर तोल। तो भाई फिलहाल ये जो ड्यूक 250 का परफॉर्मेंस है ना, ये वाला नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। It was at this moment that he knew he fucked up. सुबह यहाँ पे देख पाओगे मैं आराम से 75 का स्पीड पे जा रहा हूँ, सामने जो ये फोर व्हीलर चला उसी के लिए मेरा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हुआ, और यहाँ पे देख पाओगे ऑलमोस्ट मेरा स्पीड 70 है, फिर भी मैं धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करके जितना हो सके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। देखो जो इम्पैक्ट हुआ है वो 20 का स्पीड पर हुआ है, इसलिए मेरा क्या हुआ है कि ज़्यादा कुछ उतना नुकसान नहीं हुआ, अगर ये हाई स्पीड पर नुकसान होता तो भाई आप समझ ही सकते हो क्या होता, लेकिन उसके बाद देखो इम्पैक्ट होने के बाद बाइक को रोक के मैं अचानक से बहुत बड़ा 4 से 5 फुट हाई डेंट में गिर गया, और यहाँ पे देख पाओगे ट्रैक्टर वाला अचानक घुस गया बीच में यार, ना उसका इंडिकेटर जला ना कुछ हो रहा है, उसने ब्रेक भी नहीं मारा, फिर भी मैंने अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल किया, 20 का स्पीड पे इंपैक्ट हुआ यार, अब क्या ही बोलूँ यार, आप देख ही पाओगे वीडियो में। अरे बाप एक्सीडेंट हो गया भाई, और भाई लोग यहाँ पे देख पाओगे मुझे ड्रेन से निकालने के लिए मुझे दो भैया हेल्प कर रहे थे, तो एक भैया जब मुझे खींचे तो मैं नहीं आ पाया, तो इस ऑलमोस्ट मुझे 2 जन लगा भाई उस 4 से 5 फुट का ड्रेन से निकलने के लिए। जब मैं भाई लोग ड्रेन से निकला तो यहाँ पे देख पाओगे ड्यूक 250 नीचे गिरा हुआ था, और देख इतना ख़राब लगा ना भाई, एक बाइकर के लिए जो पेन होता है उसका बाइक का वो आप समझ पाओगे यार, मतलब बहुत ख़राब लगा दिल से यार, ऊपर से फ्रेंड का बाइक और ख़राब लगा। मैं ठीक है जा मैं लागू नहीं होता हूँ।
आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड इन वाटर मैन, मैं पूरा मतलब गंदा पानी से भींग गया था। फ़ोन निकाल के देखा, हाँ फ़ोन सही चल रहा है। फ्रेंड भी बोला तू ठीक है ना भाई, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा भाई, सच बोलते हैं ना, भगवान पे अगर ट्रस्ट करो तो भगवान आपके भी सुनेंगे, तो भगवान ने मेरा लाइफ बचा लिया भाई, ये तो बहुत खराब इंपैक्ट हो सकता था। देखा होगा अगर GoPro से मैंने रिकवर किया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई, लेकिन देखो यार पूरा शर्ट से पैंट तक पूरा मेरा भींग गया। आई थिंक आप देख पाओगे तो पूरा मैं ड्रेन का गंदा पानी में उतर चुका था। एंड यहाँ पे फिलहाल देख पाओगे GoPro भी है एंड फोन भी है, पर्स भी है। एंड यहाँ पे देख पाओगे शर्ट भी पूरा भींग गया है। और यहाँ पे फिलहाल मैंने GoPro को खोल के रख लिया भाई, तो देख पाओगे पानी में पता नहीं अगर वाटरप्रूफ अगर बचा तो जरूर फुटेज आपको दिखा पाऊंगा। तो पूरा बर्बाद सीन हो गया भाई। एंड फिलहाल जो फ्रेंड का मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ ड्यू टू फिफ्टी, उसको मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग कहाँ कैसा क्या नुकसान हुआ। एक्सीडेंट हुआ आप समझ सकते हो भाई, यहाँ पे ड्यूक 250 का जो लेग गार्ड है वो थोड़ा टेढ़ा मतलब हो चुका है। यहाँ पे देख पाओगे मेन जो वो वाइट वाला जो पट्टी है, आई थिंक आप उंगली से दिखाना, वो जो पट्टी है उसी में ये वाला जो टायर है इंपैक्ट हुआ है। एंड फिलहाल ऐसा कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, अगर हो सकता तो मैं मेरा हाथ पैर भी खींच सकता था, लेकिन वैसा फिलहाल कुछ सीन हुआ नहीं है। तो उसी ड्रेन में मैं जाके गिर गया था, एक बार दिखाता हूं आप लोगों को, देखना भाई। तो फिलहाल देख सकते हो भाई मैं रोड पे आया यहाँ पे और इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया। तो फिलहाल देख सकते हो इसी ड्रेन गंदा नाला पे मैं गिर गया था। तो भाई सॉरी भाई अगर तेरा बाइक में थोड़ा नुकसान हुआ है तो, हाँ ड्यूक 50 मैं ही चला रहा था, ड्यूक 50 वाला फ्रेंड मेरा बाइक चला रहा था, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे टैंक सेट में थोड़ा स्क्रैच आया है और लेग गार्ड ने पूरा इंपैक्ट झेल लिया। तो फिलहाल भाई अभी GoPro का पता नहीं रिकॉर्डिंग रिकवर होगा कि नहीं, तो सो फार सो गुड। एंड चलो वीडियो आगे स्टार्ट करते भाई। सो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो में क्या था। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, जो भी हुआ मेरे साथ ना बहुत ख़राब हुआ, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, देखो आई बिलीव इन गॉड एंड भाई भगवान ने मुझे बचा दिया यार। तो आई थिंक आपने वीडियो में क्या देखा और मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लोग सुनो भाई एंड थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ वीडियो को। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, देखो मैं ऑलमोस्ट 70-75 का स्पीड में था, ठीक है बोल सकते हो थोड़ा सा स्पीड में था, तो सामने मेरे एक फोर व्हीलर जा रहा था, तो फोर व्हीलर के लिए मेरा क्या हुआ कि सामने कौन आ जा रहा है मुझे नहीं दिख रहा था, तो इट वॉज क्रिएटिंग अ ब्लाइंड स्पॉट। तो मैं जैसे ही इस लेन पे आया ऑलमोस्ट ट्रैक्टर 60-70% रोड में आ चुका था। उसके बाद मैं पूरा अच्छा से ब्रेकिंग किया, इंजन ब्रेकिंग किया, जो कि सेफेस्ट टेक्निक है मैं हमेशा करता हूँ। करते करते जो मेरा बाइक का ड्यूक 250 का जो फ्रंट टायर है वो ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर में जब इंपैक्ट हुआ, उस टाइम मेरा स्पीड था 19-20 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक आपने देखा होगा कि इंजन ब्रेकिंग अगर नहीं करता तो स्पीड उतना ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होता, और जाके अगर मैं डायरेक्ट 30-40 or 50 का स्पीड में इंपैक्ट करता तो बहुत मेजर नुकसान भी हो सकता था। लेकिन चलो जैसा भी है भगवान ने बचाया, मेरा सेंस ने काम किया भाई, तो 20 का स्पीड पे इंपैक्ट हुआ। उसके बाद जाके सामने कंक्रीट का दीवार था, उसमें जाके ड्यूक 250 का फ्रंट टायर इंपैक्ट हुआ। एंड उसके बाद आई थिंक देखा यार मेरा क्या बोलूँ, उसके बाद मैं उलट गया ऊपर से, मतलब क्या ही बोलो यार, मुझे कुछ बोलना नहीं यार, बहुत मतलब ख़राब लग रहा है यार। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 5-4.5 फुट का हाइड्रेन में गिर गया यार, आई थिंक आपने वीडियो में देखा होगा। तो क्या ही बोलूँ भाई, आई थिंक आप समझ सकते हो, बहुत ख़राब सीन था। उसके बाद लोगों ने मुझे हेल्प किया यार, फिर मैं वहाँ से निकला, फिर एक तो ड्यूक 250 का ले मतलब क्या बोलूँ, आई थिंक आप समझ सकते हो। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, बिलीव इन गॉड यार। तो मैं तीन जो मंत्र है मैं बहुत हमेशा मन में लेता हूँ, आप लोगों को भी शेयर करूँगा, आप लोग भी लो। तो एक है भाई जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्री राधे राधे, इसका आप स्मरण करो, मंत्र का काम करता है यार। तो जो भी हो ड्यूक 250 में फिलहाल वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस लेग गार्ड जो होता है बाइक का, देख पाओगे ये जो लेग गार्ड है, ये लेग गार्ड पे ही मेन इंपैक्ट ने झेल लिया, और जस्ट ट्रैंक साइड में थोड़ा सा स्क्रैच आया यार। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जब मैं ड्रेन से निकला ना यार, तो मेरा पैर पूरा लिटरली, माय लेग वाज शिवरिंग अ लॉट मैन, मतलब मेरा पूरा पैर कांप रहा था यार। तो जो भी है सही है भाई, आई थिंक अब ज़्यादा कुछ बोलने का नीड नहीं है। तो चलो भाई एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा अच्छा से चलाओ यार, सेफली चलाओ। मैं तो भाई ड्रेन में जब गिरा तो मैं उल्टा गिरा ऐसे करके। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा हेलमेट पर भी अच्छा खासा स्क्रैच आया यार, अगर मैं हेलमेट अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं पहनता ना तो सच बोलो मेरा हेड पे भी इंपैक्ट हो सकता था। तो जो भी है सही है फिलहाल। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरा हेलमेट में कैसा क्या इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे देखो भाई जो ये हेलमेट है, यहाँ पे आई थिंक आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैच मार्क्स हो गया है, आई थिंक आप देख पाओ। तो ये जो स्क्रैच मार्क्स है ना भाई, ये वाला, ये बहुत ज़बरदस्त सीन है यार, मेरा हेलमेट में ये सब नहीं था, तो एक्सीडेंट के बाद ये स्क्रैच मार्क्स आया है भाई, तो ख़राब सीन है भाई। सो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज और मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सेफली चलाओ, ध्यान से चलाओ यार। चलो अब किस्मत में था, होनी में था, हो गया, कुछ कर नहीं सकते। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड राइड सेफ भाई लोग।